नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन प्रभावशाली, तीन काफी इफेक्टिव फंगीसाइड के बारे में। और जिसमें हमने लिया है टाटा रिलीज का पुलिटो फंगीसाइड, उसी के साथ साथ BASF कंपनी का सिग्नम और साथ ही PI कंपनी का विस्मा। इन तीनों फंगीसाइड के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। जानेंगे कि इन तीनों में आपको कौन कौन सा केमिकल देखने को मिलता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, फंगस को कैसे नियंत्रण करता है, इनकी तीनों की अलग अलग प्राइस क्या है और तीनों का अलग अलग आपको एक एकड़ का खर्च कितने आने वाला है। और इस साल जो फसलों पर फंगस की समस्या आई है, अभी तेज धूप के कारण प्याज की फसल में भी काफ़ी सारी समस्या हमें देखने को मिली। इन तीनों का जो रिजल्ट है वो फसलों पर काफ़ी अच्छा इस बार किसानों को देखने को मिला है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम इन तीन फंगीसाइड के बारे में जानेंगे ताकि आप आने वाले समय में इनका उपयोग करके आपकी फसल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इन तीनों फंगीसाइड की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि तीनों के अंदर एक ही केमिकल देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आता है बोस्कोलिट 25.2%। उसी के साथ साथ इसके अंदर इसमें पायरोक्लोस्टोबिन भी दिया गया है, पायरोक्लोस्टोबिन 12.8% आपको इसमें मिल जाता है। और ये वेटेबल ग्रेन्यूअल फॉर्म में आपको मिलता है, यानी WG फॉर्म में आपको मिलता है, जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी फसलों पर काम कैसे करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के केमिकल है, इस वजह से इसमें दो प्रकार के मोड ऑफ एक्शन है और दोनों तरीके से ये काम करता है। तो जो बोस्कोलिड है वो कार्बोजिंक ग्रुप का एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। फंगस की हर स्टेज में उसके हिसाब से ये कार्य करता है, फंगस के नए स्पोर और जर्मिनेशन को ये रोक देता है। वहीं इसमें ट्रांसलुमिनर एक्शन है, यानी कि जब भी आप इसका फसल पर उपयोग करते हैं तो ये पत्तों के दोनों ओर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसमें एक्रोपेटल एक्शन भी है, जैसे कि आप इसका किसी भी फसल पर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद जब पौधों में नई पत्तियां निकलती हैं तो उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये पौधे को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं पायरोक्लोस्टोबिन की मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो पायरोक्लोस्टोबिन एक स्टेबिलिन ग्रुप का फंगीसाइड है। ये फंगस के ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है, साथ ही पत्तियों पर एक ऐसी लेयर तैयार करता है जिससे पानी या ओस जब भी गिरती है तो पत्तों के दोनों ओर लेयर तैयार कर देता है, जिससे कि पानी या ओस या जो भी फंगस है वो पत्तों पर टिकती नहीं है और फसल पर बीमारी का प्रकोप कम से कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह आपको अन्य ब्रांड का कौन कौन सी कंपनी का मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि BASF कंपनी का सिग्नम के नाम से आपको मिल जाएगा, वहीं आपको PI कंपनी का विस्मा के नाम से भी मिल जाता है, और टाटा का तो पुलिटो आप जानते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तीन ब्रांड आपको मिलते हैं और तीनों में सेम केमिकल आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर यह कौन कौन सी फंगस को नियंत्रण करता है। तो अगर आप अंगूर की खेती करते हैं तो अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज, बोटराइटिस, इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। वहीं टमाटर पर अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीप स्पॉट, इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। वहीं मिर्च की खेती करते हैं आप तो मिर्च में एंथ्राक्नोज रोग, पाउडर मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और ब्लाइट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। वहीं अभी इस सीज़न में प्याज वाले किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया, क्योंकि प्याज पर इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। तो प्याज पर अगर आप उपयोग करते हैं तो प्याज पर यह बहुत ही प्रभावशाली होता है, जैसे कि पर्पल ब्लॉच को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है प्याज की फसल के अंदर। वहीं ब्लाइट को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। स्टेम फाइल करपा झुलसा रोग जो आता है उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके से ये सभी प्रकार की फसलों पर उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो फसलें हमने बताई है इसी पर आपको उपयोग करना है, लगभग सभी प्रकार की फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप और भी बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हर फसल पर आपको 2 बार स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहला फसल जब आपकी 25 दिन की हो, 25 से 30 दिन की हो, तब आपको उपयोग करना चाहिए। दूसरा जब आपकी फसल 60-65 दिन की हो तब आपको इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आप 2 बार इसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको फंगस पर कंट्रोल देखने को मिल जाएगा।
तो बात करें अगर रेन फास्टनेस की, तो अगर इसके उपयोग के इनके स्प्रे के बाद अगर 2 घंटे के बाद बारिश भी हो जाती है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से फसल पर काम करता है और काफ़ी अच्छे से फंगस को नियंत्रण करता है। बात करें रेसिडुअल एक्टिविटी की, यानी कि कितने दिनों तक ये काम करता है फसल के अंदर, तो 12 से 15 दिन तक एवरेज इसका रेसिडुअल टाइम है और 12 से 15 दिन तक ये फसल को 12 से 15 दिन तक किसी भी प्रकार की फंगस को फसल पर आने से रोकता है। अगर पैकिंग साइज की बात करें तो ये आपको 120 ग्राम के पैकिंग में मिल जाएगा, वहीं 240 ग्राम की पैकिंग में भी मिल जाएगा। और अगर आप 1 एकड़ में उपयोग करना चाहते हैं तो 1 एकड़ का खर्च आपको 240 ग्राम आपको डालना होगा 1 एकड़ के अंदर, और 1 एकड़ का खर्च 950 से लेकर 1000 रुपये तक आपको आ सकता है। अगर BSF के सिग्नम की या PI के विस्मा की, तो इसमें प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। BSF का सिग्नम आपको 800 रुपये में मिल जाता है, वही PI का विस्मा आपको 700-750 रुपये में मिल जाता है, जो कि 1 एकड़ का आपको खर्च आता है। इस तरीके से तीनों में से आप कोई भी एक फंगिसाइड ले सकते हैं और फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करता हूँ कि तीनों फंगिसाइड के बारे में जो भी जानकारी हमने आपको दी है आपको अच्छी जरूर लगी होगी, और ऐसे ही फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के बारे में आगे भी हमारे चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।